नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह का टाइम है, सुबह की बज रही है 10 और 10 बजे से करी है मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग। तो अभी मैंने अपने बालों में बस मेहंदी लगा दी है। रात को तो ये सोच के सोई थी कि सुबह उठूंगी ना तो उठने के साथ में ही मेहंदी लगा दूंगी और फिर 10-11 बजे तक बाल जो है वॉश भी कर दूंगी। लेकिन सुबह सुबह ना मौसम इतना ठंडा होता है ना कि मन ही नहीं हो रहा था मेहंदी लगाने का। और अभी मतलब 10-10 तो नहीं, शायद 9:45 का कुछ टाइम हो रहा है, 9:45-10 ऐसा कुछ, घड़ी मैंने नहीं देखी है, खाली मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ। तो इस टाइम पर बस मैंने अपने मेहंदी जो थी वो लगा दी थी। अच्छा, मेहंदी के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें डाली, बहुत सारी चीज़ें डाली थी। अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं देखा है तो कल का वीडियो आप ज़रूर देख लेना। और मेहंदी लगाने के पहले मैंने अपने बाल को सुलझाए थे ना, तो ढेर सारे जो बाल जो थे ना वो मेरे टूटते हैं। आजकल हेयर फॉल है ना ज़्यादा हो रहा है, मेरा भी हो रहा है और परी का भी हो रहा है। क्या पता बारिश की वजह से हो रहा है, क्या पता क्या है, लेकिन हेयर फॉल हो रहा है। तो बस सारे बाल जो थे वो मैंने इकट्ठे कर दिए थे और उसको डाल दिए डस्टबिन के अंदर। अब सुबह मतलब यही है कि 10 बजे का टाइम हो रहा है, तो ढेर सारे मेरे काम जो है ना वो हो गए थे, मतलब बहुत सारे हो गए थे, और थोड़े बहुत काम जो है ना वो बाकी भी हैं। तो अभी फटाफट से बस मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ, और आज मैं बना रही हूँ लौकी और कच्चे केले के पराठे। हाँ जी, लास्ट टाइम मैंने ये रेसिपी शेयर करी थी ना, तो मेरे पास में कमेंट आया था, मतलब 2-3 कमेंट आए थे कि यार बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, यूनिक से पराठे हैं, हम लोग भी ट्राई करेंगे। अब पता नहीं उसके बाद में आप लोग ने ट्राई किया या नहीं किया है। मैं आप लोग को वैसे भी बोलती हूँ कि जब भी मैं कोई रेसिपी शेयर करती हूँ, यदि आप मेरी बनाई हुई रेसिपी को ट्राई करते हो ना, और यदि आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो थोड़ा मुझे ना अच्छा लगेगा कि चलो कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर करी, आपको अच्छी लगी और आपने ट्राई भी करी। और लास्ट टाइम जब मैंने ये वाले पराठे बनाए थे ना लौकी के और कच्चे केले के मिक्स, तो उस टाइम पे मतलब कोइंसिडेंस ऐसा हो गया था कि 2 लौकी मैं लेकर आई थी, और उसमें से ना 1 लौकी जो थी ना वो पूरी ख़राब निकल गई थी। मतलब मैंने इसको कट किया ना तो ऊपर से अच्छी दिख रही थी, लेकिन अंदर से वो पूरी काली काली थी, वो मेरे फेंकने में चली गई। फिर 1 छोटी लौकी बची थी, तो उसके पराठे बनाना मतलब सबके लिए अगर बनाने हैं तो कम पड़ रही थी, और लौकी की सब्ज़ी कोई खाता नहीं है। और प्लानिंग जब हो गई थी कि पराठे बनने हैं तो फिर पराठे ही बनने थे। फिर फ्रीज में देखा तो 3 केले पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो दोनों की मिक्स मतलब ये स्टफिंग बनाते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे बनते हैं पराठे। लेकिन टचवुड सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो यहाँ पर बस मैंने पराठे बना दिए थे, और सबके पराठे एक साथ में बना दिए थे, क्योंकि ये पराठे ऐसे हैं ना कि ठंडे होने के बाद में भी अच्छे लगते हैं। और उसके बाद में मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे, किचन की क्लीनिंग कर दी थी, डस्टिंग और क्लीनिंग का काम, मतलब बाहर रूम की डस्टिंग का काम जो था वो मैंने पहले ही निपटा दिया था। तो इस टाइम पे मतलब 10:45 का कुछ टाइम हो रहा था, और मेरे घर के सारे काम हो गए थे। लेकिन अब ये है कि मैंने मेहंदी लगा के रखी है ना, तो मैं नहाने जा पा रही थी, और हाउस हेल्पर है वो भी मेरी 1 बजे तक आएगी, तो मेरे पास में बहुत सारा टाइम था इस टाइम पर। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा ये कपड़े पड़े हुए इनको अभी ही फोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये ना पूरे दिन पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर बस कपड़े फोल्ड करूँगी, और फिर देखती हूँ कोई छोटा मोटा काम जो है ना वो करना है तो करूँगी, नहीं अगर कुछ भी काम नहीं रहेगा तो फिर मैं वीडियो की एडिटिंग कर लूँगी। ना 3-3.5 घंटे मैंने अपने बालों में मेहंदी है ना रखी थी, और उससे इतना ज़्यादा मेरा भारी हो गया है। लेकिन चलो फाइनली बहुत टाइम से सोच रही थी, इस बार है ना इतना लंबा टाइम हो गया मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, और इसकी वजह से ना एक्चुअली आपको वीडियो में नहीं दिख पाता होगा, लेकिन ये आगे की फ्रंट के जो कुछ बाल आते हैं ना एकदम छोटे छोटे बेबी हेयर, वो वाइट आ रहे थे, और वह ना ऐसे खड़े खड़े रहते थे जो बहुत गंदे लगते थे बहुत भी, और उसको ना छुपाना भी मुश्किल हो रहा था, और है ना तोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि वाइट बाल अगर आ रहे हैं और अगर आप उनको तोड़ते हो ना तो फिर वो ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए मैं तोड़ भी नहीं पा रही थी। और बस अभी बाल जो है मैंने 2 दिए हैं, और अभी मैंने ना वो नहीं लगाए, मतलब अभी तो खैर गीले हैं, और आज मैंने शैम्पू कुछ नहीं किया, सिर्फ फिर नॉर्मल पानी से ना अच्छे से वॉश कर दिया, मतलब जो भी मैंने लगाया था ना सब अच्छे से निकल गया ही, पूरा स्कैल्प जो है ना वो क्लीन है, एकदम वाइट वाइट सा अंदर से हो रहा है। और अब रात को मतलब जब अच्छे से सूख जाएंगे तो रात को
अच्छे से बालों में ना ऑयल लगाने वाली, सरसों का तेल। तो शुरू से मतलब मेरे मम्मी के वहाँ पे मेहंदी लगाती थे ना हम लोग, तो ऐसे ही लगाते थे और लिटरली बाल बहुत अच्छे थे। शादी के बाद तो ऐसा ना कि यार घर के कामों में इनमें लग जाते हैं ना तो बहुत आलस आता है। वहाँ ऐसा मतलब काम तो वहाँ भी होते थे, पढ़ाई भी होती थी, घर के काम भी होते थे, फिर बाद में जॉब भी करने लगे थे, लेकिन पता नहीं जैसे बहनें थी तो मतलब मिल के काम करते थे, अच्छा लगता था। कोई मेहंदी भिगो रहा है, कोई लगा रहा है तो अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि सब काम खुद से ही करने हैं तो थोड़ा सा आलस आ जाता है। लेकिन आज तो मैंने मेहंदी लगा दी, सब कुछ हो गया है। और है ना मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पर, मौसम मतलब अभी भी देखो पीछे ना मैंने पंखा बंद ही किया हुआ है। और रात को मैंने मेहंदी भिगो देती थी, सुबह मेरा मन हो रहा था कि यार लगाऊं कि नहीं लगाऊं, दो मन हो रहे थे, लेकिन यही है कि यार इतनी मेहनत से भिगो दी थी तो मैंने सोचा कि चलो लगा देते, और लगाई भी मैंने लेट थी। खाना बना दिया था और 10 साढ़े 10 बजे के बाद मैंने मेहंधी लगाई थी। तो बस सब बाल बाल धो दिए, अभी सबसे पहले तो चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, क्योंकि मुझे ना जुकाम तो नहीं है पर वो पता नहीं बाल बाल धोए और सुबह से मेहंदी लगा रखी है उसकी वजह से नाक चल रहा है। और यहाँ पे मैं आपसे ना ये माइक से बात कर रही हूँ, ये ना माइक के बारे में, मेरी आवाज़ के बारे में ना आजकल कमेंट्स आ रहे हैं कि आवाज़ जो है ना वो आपकी अच्छे से नहीं आ रही, ज़्यादा नहीं मतलब एक आध कमेंट्स आता है, तो यार आप लोग मुझे बताना सही में, मैं कंफ्यूज हूँ। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि मेरे पास में ना वायर मतलब ये था, माइक तो था लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, वायर वाला था, ठीक है। उसके बाद में दिक्कत क्या होती थी कि जब मैं कभी होल वीडियो वगैरह बनाती थी ना तो उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि होल वीडियो में आपको चीज़ें बतानी होती है तो उसके लिए ना ट्राइपॉड को दूर रखना होता था और आपसे ना काफ़ी दूर बैठ के मैं बात करती थी, तो उसकी वजह से एक तो बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आती थी और दूसरी चीज़ ये कि मेरी आवाज़ जो थी ना वो काफ़ी स्लो आती थी। तो उसके बाद में फिर मैंने ये वायरलेस वाला माइक जो है ना वो परचेज़ किया था, और ये मैंने लोकल शॉप से ही लिया था, मतलब जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है ना गिरजा, उसके हस्बैंड की इन्हीं चीज़ों की शॉप है, मोबाइल वगैरह इन सब की, तो वहाँ से मैंने ये लिया था। तो वहाँ से मुझे कुछ 800 या 1000 ऐसा ही कुछ पड़ा था। तो जब से मतलब मैं ना इससे वॉइस ओवर करने लगी हूँ ना तो मुझे ना एक आध कॉमेंट कभी कभी आते हैं कि आपकी आवाज़ जो है ना वो क्लियर नहीं आ रही है। कल भी कॉमेंट आया था कि आवाज़ जो है वो बीच में कट जाती है, पर मुझे पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ उसके पहले मतलब वीडियो देखती हूँ अपना कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो मैं जब वीडियो देखती हूँ तो मुझे तो कहीं आवाज़ ऐसे कटी फटी मतलब ऐसी नहीं लगती, अच्छी लगती है आवाज़। इवन जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे रिकॉर्ड करी थी ना तो मैंने वीडियो मेरे हस्बैंड को भी मतलब बताया था कि आप देखो आवाज़ जो है उसमें कुछ चेंज है क्या, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अब आवाज़ जो है ना अब तेरी परफेक्ट आवाज़ आ रही है, क्योंकि इसमें ना बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आता, बैकग्राउंड जो आवाज़ें होती है ना, अभी भी मैं विंडो के यहाँ पर खड़ी होकर बात कर रही हूँ ना, बाकी नॉर्मल जो मेरा पहले वाला स्पीकर था ना उससे मैं बात करती थी ना तो बाहर की बहुत सारी है ना आवाज़ें और बारिश हो रही तो बारिश की आवाज़ और ये सब होती थी, लेकिन अब है ना ऐसा नहीं है। तो आप लोग ना मुझे यार बताना अगर सही में ऐसा है ना, तो फिर देखते हैं इससे करूँ या फिर जो मेरा पुराना माइक है उसी से करूँ वॉइस ओवर, ठीक है। तो चलो यही चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी, और बस अभी चलो चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि फ्राइडे मॉर्निंग, आज ही का दिन है, सुबह की भी बज रही है 5:15। और आज मतलब मेरी नींद जो थी ना वो पता नहीं इतनी जल्दी खुल गई थी, 5 बजे का अलार्म लगाया था और एक अलार्म में मेरी नींद जो थी ना वो खुल गई थी। तो 5-10 मिनट तो बस वहीं बिस्तर में ही लेटी हुई रहती हूँ, और थोड़ा सा बस 5-7 मिनट मैंने मोबाइल वगैरह देख लिया था, और अब मैं उठ के आ गई हूँ बाहर। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बच्चों को आवाज़ दे दी है, खैर अभी उठेंगे नहीं, लेकिन ये कि काफ़ी गहरी नींद में होते हैं ना तो थोड़ी सी उनकी नींद है ना हल्की हो जाती है। और 5:15 भी है ना इतना अंधेरा हो रहा था ना बाहर, पता नहीं बारिश वारिश की वजह से हो रहा है, बाकी 5:15 के करीब तो हल्की हल्की सी मतलब लाइट जो है ना वो बाहर दिखने लग जाती है। तो यहाँ पर बस मैं बच्चों का आवाज़ लगाने के बाद में मैंने मुंह वगैरह धोया और गर्म पानी मैंने पी लिया है यहाँ पर, और उसके बाद में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है सुबह सुबह पूरे घर के अंदर एक बार का बासी कचरा निकालना। तो एक मतलब बासी कचरा भी निकल जाता है, और इसके अलावा ये भी है कि मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो आती है 1 बजे के करीब, तो मतलब ये कि आधा दिन निकल जाता है, तो फिर घर जो है ना वो गंदा अच्छा नहीं लगता है।
तो इसलिए मैं एक बार का सुबह सुबह ना झाड़ू निकाल देती हूँ। तो 5 से 6 मिनट लगता है झाड़ू निकालने में सुबह सुबह का, और उसके बाद में मेरे पास में 10 मिनट था तो मैंने सोचा चलो अभी ना एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो जब भी मैं एक्सरसाइज के वीडियोज़ डालती हूँ ना, तो फिर आप लोग में से कोई ना कोई एक आध कमेंट तो मुझे ये आ ही जाते हैं कि श्रद्धा ना इसी वजह से आप ना पतली हो क्योंकि आप ना एक्सरसाइज करते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, ये मैं पतले होने के लिए नहीं करती हूँ। हाँ, ये कि अगर मैं रोज़ के रोज़ करूँगी ना डेली, तो हो सकता है कि इससे मेरा जो वेट है ना थोड़ा सा वेट लूज़ होने लग जाएगा। लेकिन एक तो मैं रोज़ नहीं करती हूँ, कभी कभार वीक में मतलब 3-4 बार कर लेती हूँ। और मेन मेरा जो मकसद होता है ना एक्सरसाइज के पीछे का, वो होता है कि अपनी जो फ्रीज बॉडी होती है ना, पूरी रात हम सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, तो उसको एक थोड़ा सा बॉडी को ना खोलना होता है। और ये जो एक्सरसाइज होती है ना, ये मतलब ये होती है अपनी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना फ्री शोल्डर की भी प्रॉब्लम है और थोड़ा सा ना मुझे बैक पेन भी होता है। तो इसलिए ये जो भी मैं 3-4-5 एक्सरसाइज करती हूँ, या फिर मैं जो रस्सी कूदना ये करती हूँ ना, तो इससे एक तो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट हो जाता है और एक काम करने की ना एनर्जी भी मिल जाती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने से। तो मेरा जो मोटो होता है वो पतला होना नहीं है, मेरा ये है कि पूरी रात मतलब सोने के बाद में जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मेरी बॉडी एकदम टाइट सी रहती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कुछ काम करने का मन नहीं होता है। तो बस ये छोटी मोटी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से एक एनर्जी जो है वो मेरे अंदर आ जाती है। अब उसके बाद में फिर मैं गई थी दोनों बच्चों को उठाने के लिए, मतलब 5:40 का कुछ टाइम हो गया था, फिर मैंने दोनों बच्चों को उठाया। उठाने के बाद में बस वो कर रहे हैं ब्रश, और आजकल मौसम जो है ना वो काफ़ी ठंडा है, तो दोनों बच्चे ना गर्म पानी से नहाते क्योंकि सुबह सुबह अच्छा खासा ठंडा मौसम रहता है, पानी बहुत ठंडा ठंडा आता है। तो मैंने गीज़र जो है वो ऑन किया है, बाल्टी भरने के लिए रखी है, तो बस दोनों के लिए बाथरूम के अंदर मैं ये रख दूँगी गर्म पानी की बाल्टियाँ, फिर बस वो नहाते रहेंगे। और यहाँ पर बस काम जो है वो चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने दोनों बच्चों के लिए दूध रख दिया है, और उससे भी पहले जो काम होता है वो होता है इस गैस स्टोव को एक बार सूखे कपड़े से पोंछ लेना। वैसे तो बिल्कुल साफ़ है, रात को सोने से पहले पूरा किचन स्लैब और ये अपना जो गैस स्टोव है सिंक है ये सब को साफ़ करके ही सोती हूँ। लेकिन एक बार सुबह सुबह गैस स्टोव जो होता है ना उसको सूखे कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, ताकि रात भर में कोई भी चींटी मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े कुछ भी हो ना, तो वो थोड़े से वहाँ से हट जाए। अब यहाँ पर मैंने बस दोनों बच्चों के लिए दूध चढ़ा दिया है। और कल शाम को क्या हुआ था, जब दूध आया था ना, तो दूध गर्म रखा और मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, और मतलब बर्तन साफ़ करते करते कंटिन्यूस मतलब मैं देख रही थी कि कहीं दूध जो है ना वो गर्म होके नीचे ना गिर जाए। तो जब तक मैं देख रही थी तब तक तो दूध नीचे नहीं गिरा, और उसके बाद में कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कुछ सेकंड्स के लिए बस मैंने पीछे नहीं देखा और दूध जो था ना वो थोड़ा सा नीचे गिर गया, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरा था क्योंकि कम आँच पे रखा हुआ था। लेकिन कम आँच पे जब दूध गर्म करते हैं ना, तो वो जो ऊपर की पूरी मलाई होती है ना वो पूरी एक बलून के जैसे इकट्ठी हो जाती है, और फिर वो थोड़ी सी नीचे गिर गई थी। तो दूध के बर्तन में चारों तरफ मलाई चिपकी हुई थी, तो मैंने अभी उसी बर्तन के अंदर ही बच्चों के लिए दूध चढ़ा दिया है। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से बच्चों का टिफ़िन जो है वो करूँगी रेडी। और आप लोग मुझे बोलते भी रहते हैं कि आप है ना बच्चों के टिफ़िन में जो कुछ भी बनाते हो भरते हो ना, वो रोज़ बताया करो, रेसिपी शेयर करा करो, ताकि हमको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और मेरी भी कोशिश ये रहती है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें बनाऊं और आपके साथ में शेयर करूं। खैर इतना टाइम तो मेरे पास में होता नहीं कि मैं मतलब कोई ऐसी चीज़ बनाऊं जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि 6:30 बजे ये कि बच्चों की बस आ जाती है, तो मुझे फटाफट वाले काम करने पड़ते हैं। अच्छा, कल शाम को क्या हुआ था कि कल मॉर्निंग में मैंने लौकी के पराठे बनाए थे, तो थोड़े से स्टफिंग पड़ी हुई थी, तो 4 पराठे बन गए थे। तो फिर ये कि एक एक पराठा खाने के बाद में बहुत ज़्यादा भूख नहीं होती है क्योंकि पराठे हैवी होते हैं, तो शाम को मैंने ना सिर्फ खिचड़ी बना दी थी। तो पराठे खाने के बाद में ना फिर खिचड़ी किसी ने इतनी ज़्यादा नहीं खाई थी, और इतनी टेस्टी मैंने मतलब पुलाव बनाया था ना मटर का, तो वो पड़ा रह गया था, तो फिर मेरा फेंकने का मन नहीं हुआ। तो मैंने अभी मतलब वो जो पुलाव है ना उसी से ही रेसिपी बना रही हूँ। खैर अभी आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, पुलाव को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में अच्छे से चला के स्मूथ सा पेस्ट बना दिया था। फिर सेम जार के अंदर मैंने थोड़ा सा दही और सूजी करी पत्ता और हरी मिर्ची डाल के उसको भी उसका भी स्मूथ पेस्ट बना के इसी पेस्ट में मिला दिया। और यहाँ पर बस मैंने दोनों तवे चढ़ा दिए हैं, एक तो कास्ट आयरन वाला तवा चढ़ाया है और दूसरा मैंने डोसे का तवा चढ़ाया है, ताकि फटाफट से मेरे काम हो जाए। और यहाँ पर बस मैंने खाली थोड़ा सा नमक डाला है और हरा धनिया डाला है, ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पुलाव के अंदर सब कुछ था, मतलब मटर भी था, मसाले भी थे, नमक भी था, सब कुछ था, तो बहुत सोच समझ के चीज़ें जो है वो यहाँ पर डालनी है।
और यहाँ पर हमारा घोल जो है वो बनकर हो गया है रेडी। अब यहाँ पर मैं बनाऊँगी छोटे छोटे से पैनकेक। तो आप भी यदि आपके मतलब कभी भी होता ही है, हम घर में काम करते हैं तो मेज़रमेंट कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई बार ये है कि बच्चे खाना खा भी लेते हैं, कई बार अच्छे से नहीं भी खाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है कि सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, चावल है, पुलाव है, खिचड़ी है, बच जाती है। तो आप इस तरीके से रेसिपी बना सकते हो और थोड़ा सा उसको डिफरेंट वे में अगर हम बच्चों को बना के देते हैं ना तो बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं। और फ्रूट ब्रेक में मैं रख रही हूँ ये पियर्स, क्योंकि आजकल इन्हीं का सीज़न चल रहा है तो मैं सीजनल फ्रूट ही लेकर आती हूँ। इतने दिन मतलब फ्रूट्स कोई भी अच्छे नहीं आ रहे थे, तो काफ़ी टाइम से मैं फ्रूट्स नहीं लेके आई थी, लेकिन अभी ये पियर्स काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, इतने टेस्टी लगते हैं ना। मतलब ऊपर से थोड़े से हार्ड होते हैं लेकिन अंदर से थोड़े से खट्टे, थोड़े से मीठे, और टिफ़िन में बच्चों को मज़ा आ जाता है ये फ्रूट खाने में। तो बस दोनों बच्चों के टिफ़िन में मैंने फ्रूट्स जो है वो कट करके रख दिया। और यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर इन चीज़ों को पकाना होता है, मतलब पैनकेक्स को। और बस पैनकेक का एक पेज बन गया था तो मैंने दोनों बच्चों को दे दिया है। और आज इन दोनों बच्चों ने पहनी है ये वाली यूनिफॉर्म। तो हाँ जी, आज फ्राइडे का दिन है तो फ्राइडे को बच्चों की हाउस ड्रेस मतलब हाउस यूनिफॉर्म पहन के जानी होती है। और लास्ट मतलब 2-3 महीने हो गए ना, तो अभी स्कूल वालों ने क्या करा, इस साल से बच्चों की जो हाउस यूनिफॉर्म थी ना वो चेंज कर दी थी। पहले यदि आपको पता होगा तो बच्चे व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के जाते थे फ्राइडे के दिन, लेकिन इस बार इन्होंने चेंज कर दी थी। और 3 महीने हो गए, हम वेट कर रहे थे कि कब स्कूल से मैसेज आए और फिर हम नई यूनिफॉर्म जो है ना वो परचेस करके लेकर आए। तो फाइनली 2-3 दिन पहले मैसेज आ गया था, कल जाकर मैं ड्रेस लेकर आई थी और बच्चे बड़े खुश हैं नई वाली यूनिफॉर्म पहनकर। और परी के पौनी बनाने गई थी, उसके पहले मैं ये जो पैनकेक थे ना उनको थाली में फैला के गई थी ताकि वो ठंडे हो जाए। तो ये जो चीले वगैरह जो होते हैं ना, चीले, पैनकेक, इस तरह की चीज़ें मैं थोड़ी सी ठंडी करके ही भरती हूँ, क्योंकि अगर मैं गरम गरम भर दूँगी ना तो फिर ये थोड़े से गीले और सोगी से हो जाते हैं, तो फिर बच्चों को ना खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस फटाफट से बच्चों का टिफ़िन जो है वो रेडी करूँगी, उनको एक बार भेजूँगी स्कूल, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फाइनली 6:35 तक दोनों बच्चे रेडी हो गए थे, वो चले गए हैं नीचे। और अब सबसे पहले मैं इन कपड़ों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देती हूँ, क्योंकि कल रात को है ना बच्चों ने फ़ैन जो था वो यहाँ का बंद कर दिया था, तो फिर पंखा पूरी रात बंद था ना, तो कपड़े सूखे नहीं थे, खाली 2-4 कपड़े थे पतले पतले वो सूख गए थे। तो उनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब उसके बाद में मैं बनाऊँगी चाय और कुछ देर बैठूँगी, फिर करूँगी अपने रूटीन के काम। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो, मेरी बनाई गई रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अच्छे अच्छे से शॉर्ट्स वीडियो, कॉमेडी वीडियो देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।